हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजना और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जिसके बिना लोगों की सुबह ही नहीं होती। जब तक ये व्यक्ति को ना मिले तब तक व्यक्ति बिस्तर ही नहीं छोड़ता। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं चाय के बारे में। तो अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों के दिन की शुरुआत चाय से होती है। कितने लोगों को तो चाय के बिना प्रेशर ही नहीं आता। उनका ऐसा माइंड सेटअप हो जाता है कि जब तक वो चाय ना पिए तब तक वो वॉशरूम ही नहीं जाएंगे, बोलेंगे कि मुझे प्रेशर ही नहीं आ रहा। तो अब चाय का उससे क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। बस ये क्या है, हमारी मेंटेलिटी, हमारी सोच ऐसी बन जाती है। जैसे बहुत लोग नशीली चीजें लेते हैं, जैसे बहुत लोग टोबैको का यूज करते हैं, बहुत लोग सिगरेट का यूज करते हैं, बीड़ी का यूज करते हैं। तो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा जो भी व्यक्ति खा रहा है, इसका हमारे डाइजेस्टिव पैटर्न से या फिर हमारे फ्रेश होने से कोई संबंध नहीं होता। लेकिन फिर भी व्यक्ति के मन में एक ऐसा ख्याल रहता है, उसके दिमाग में ऐसा सेटअप बन जाता है कि जब तक वो टोबैको नहीं लेगा या फिर जब तक वो सिगरेट नहीं पिएगा, बीड़ी नहीं पिएगा, तब तक वो फ्रेश होने के लिए नहीं जाता है। तो इसी तरह से सेम होती है चाय। चाय जब तक व्यक्ति नहीं पिएगा तब तक वो फ्रेश होने के लिए नहीं जाएगा। बहुत से लोगों की ये हैबिट होती है, ये आदत होती है, और बहुत से लोग तो चाय की इतने ज्यादा लते होते हैं, इतने ज्यादा उनको पसंद होती है कि हर एक घंटे पे उनको चाय चाहिए, और उसके लिए वो तरह तरह के बहाने भी ढूंढ लेते हैं। जैसे ही दो चार दोस्त मिले, चलो यार चाय पीते हैं, तो ये नॉर्मल सा है। या फिर अगर हमारे घर में कोई मेहमान आ गया तो जैसे ही कोई गेस्ट आता है, मेहमान आता है, तो उसके वेलकम में हम क्या रखते हैं, चाय रख देते हैं। अगर हम बच्चों की बात करें तो घर में अगर बच्चे को भूख लगी है तो महिलाएं क्या करती हैं कि चाय बनाएंगी और उसके साथ दो ब्रेड या फिर दो रस बच्चे को दे देंगे, बच्चा खा के बिल्कुल फिट हो जाएगा। लेकिन इसका बच्चे के स्वास्थ्य या फिर जो बड़े हैं उनके स्वास्थ्य क्या असर पड़ रहा है, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। चाय आजकल हमारे लाइफ स्टाइल का एक अहम मुद्दा बन गया है। हर व्यक्ति को अपने टेबल पे चाय चाहिए, एक तो सुबह में चाहिए, और दूसरा बिना चाय के व्यक्ति को नाश्ता भी अधूरा लगता है। अधिकतर लोग चाय के साथ चिप्स लेना पसंद करते हैं, चाय के साथ पकौड़ा लेना पसंद करते हैं, ब्रेड है चाय के साथ देना पसंद करते हैं, बिस्किट की बात करें या फिर रस की बात करें या फिर नमकीन की बात करें, इन सब के साथ एक कॉम्बिनेशन व्यक्ति बैठा लेता है कि इसके साथ चाय होनी ही चाहिए। और सर्दियों में तो मसाला सबको चाय चाहिए। अगर वहीं पे आलू के पराठे बन गए तो फिर चाय चाहिए ही, आलू के पकौड़े बन गए तो चाय चाहिए। तो चाय हमारी सोसाइटी में एक ऐसा ट्रेडिशनल ड्रिंक बन गया है कि उसके बिना तो सब चीजें अधूरी लगती हैं। लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य को धीरे धीरे किस तरह से प्रभावित कर रहा है, इसके बारे में किसी का ध्यान ही नहीं जाता। बच्चे हों, बड़े हो, बूढ़े हो, हर व्यक्ति को इसका नशा है। लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य को किस तरह से प्रभावित कर रहा है, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो अगर व्यक्ति दिन भर में एक चाय पीता है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें भी ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको चाय को कभी भी दूध के साथ नहीं पीना चाहिए। अगर आप चाय पी भी रहे हैं तो आप नॉर्मल ब्लैक टी यूज कर सकते हैं, ग्रीन टी यूज कर सकते हैं, हर्बल टी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें दूध मिक्स ना करें। दूध का और चीनी का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं होता है। दूध में ऑलरेडी शुगर होता है, प्राकृतिक रूप से दूध में जो ग्लूकोज होना चाहिए वो रहता है, और एडिशनल हम उसमें ऐड कर लेते हैं चाय के रूप में जिसमें ऑलरेडी चीनी रहती है, तो ये हमारे स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव ही डालेगा हर तरह से। अगर चाय पीनी ही है तो आप बिना दूध वाली चाय पी सकते हैं। आप देखेंगे कि जितनी भी हर्बल टी है उनमें किसी में भी दूध ऐड नहीं होता है। आप ग्रीन टी की बात करें, हर्बल टी की बात करें, आयुर्वेदिक टी की बात करें, किसी काढ़े की बात करें, तो मीठा जरूर ऐड हो सकता है लेकिन दूध ऐड नहीं होता, क्योंकि दूध का और मीठे का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। तो अगर हम देखें कि जो चाय होती है उसके क्या नुकसान होते हैं, तो अगर हम देखें इसके साइड इफेक्ट ऑफ टी, तो जैसे फर्स्ट है इसमें एसिडिटी। जो भी व्यक्ति अधिक मात्रा में चाय का सेवन करते हैं उनको आप देखेंगे कि गैस की समस्या बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन वो इस पे ध्यान नहीं देते कि उनका जो खान पान है वो कैसा है। वो चाय पियेंगे और उसके बाद दिन भर ये शिकायत करेंगे कि उनको गैस की समस्या, और उसके लिए फिर वो दवा लेते हैं। तो बहुत सी ऐसी दवाएं भी हैं एलोपैथ में जो नुकसान करती हैं। आप जो भी दवा ले रहे हैं गैस के लिए, मे भी हो सकता है कि वो आपकी किडनी को प्रभावित करे या फिर आपके लीवर को प्रभावित करे, तो दवाओं का नुकसान भी होता है। आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज हार्मफुल होती है। तो हम जैसे बात कर रहे थे एसिडिटी की, अब व्यक्ति जब सुबह सुबह खाली पेट वो क्या ले रहा है, चाय ले रहा है। चाय में एक तत्व होता है जिसको हम बोलते हैं टैनिन। अब ये जो टैनिन होता है ये हर तरह से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। और इसके साथ क्या ले रहे हैं, चीनी ले रहे हैं और प्लस दूध ले रहे हैं, क्योंकि चाय बिना चीनी और दूध के तो होती नहीं। बहुत से लोगों को ब्लैक टी पसंद नहीं होती है, वो दूध वाली चाय ही पीते हैं। तो जो आप मॉर्निंग में टी ले रहे हैं, चाय ले रहे हैं, उसमें क्या है, शुगर है। पहले आप क्या ले रहे हैं, शुगर ले रहे हैं। अब सुबह सुबह उठते ही आपने एक कप क्या ली, चाय ली, और इसमें कम से कम एक
टेबल स्पून जो होता है, एक चम्मच होता है, उसके बराबर चीनी है। अब जो चीनी आपको दिन भर में लेनी चाहिए थी वो आपने सुबह सुबह ले ली, सुबह सुबह आपने वो चीनी एक कप एक चम्मच चीनी अपने अंदर डाल ली ना चाहते हुए, या फिर यूं कहें कि जानबूझ के या यूं कहें कि अनजाने में, लेकिन वो आपके अंदर गई। तो जब चीनी का पाचन होता है तो इससे बनता है लैक्टिक एसिड, इससे बनता है लैक्टिक एसिड। अब ये जो लैक्टिक एसिड होता है ये क्या करता है कि जो हमारी आंत होती है, इंटेस्टाइन होती है, उसमें जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने लगता है, और इस वजह से व्यक्ति को एसिडिटी की समस्या होती है, गैस की समस्या होती है। और इसके अलावा ये जो लैक्टिक एसिड है इसकी वजह से व्यक्ति को चेस्ट बर्न की समस्या भी होती है, मतलब उसको सीने में जलन जैसा महसूस होता है। तो अगर व्यक्ति सुबह सुबह चाय पी रहा है, या फिर खाने के बाद चाय पी रहा है, या फिर नाश्ते में वो चाय ले रहा है, तो हर तरह से उसके लिए नुकसानदेह है। नेक्स्ट इसमें आता है लॉस ऑफ स्लीप, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं इंसोम्निया, मतलब कि व्यक्ति को नींद ना आने की समस्या भी होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति बहुत ही आलस जैसा महसूस करता है या फिर बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करता है तो क्या प्रेफर करता है, एक कप चाय। उसको ऐसा लगता है कि चाय पीने से उसके अंदर स्फूर्ति आ जाएगी, वो फिर से तरोताजा महसूस करेगा। तो ऐसा किस वजह से होता है, ऐसा इस टैनिंग की वजह से होता है, क्योंकि ये जो टैनिंग होता है जब ये हमारे शरीर में जाता है, हमारे ब्लड के द्वारा ये एब्जॉर्ब किया जाता है, तो ये शरीर को एक तरह से स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है, और इस वजह से व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि वो क्या है, उसके अंदर एनर्जी आ गई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ इस तत्व की वजह से होता है, टैनिंग की वजह से होता है। तो ये जो टैनिंग होता है ये सीधा प्रभाव डालता है हमारे ब्रेन पे, और इसके साथ ही एक हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं मेलाटोनिन, मेलाटोनिन क्या है, ये एक हार्मोन होता है जो रिलीज होता है हमारे ब्रेन से। ब्रेन में एक ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं पीनियल ग्लैंड, तो पीनियल ग्लैंड से रिलीज होने वाला हार्मोन होता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हमारी नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे जैसे दिन ढलने लगता है, शाम होती है, शाम के बाद रात होती है, तो रात में जब आधी रात हो जाती है 12 बजे से लेके 3 बजे के बीच में जो ये हार्मोन होता है ये बिल्कुल पीक पॉइंट होता है, मतलब उस समय व्यक्ति बिल्कुल गहरी नींद में होता है। इसका लेवल जितना अधिक होगा हमको नींद उतनी ज्यादा आएगी। लेकिन जब व्यक्ति चाय पीता है तो चाय की वजह से क्या होता है, ये जो टैनिंग होता है ये क्या प्रभाव डालता है ब्रेन पे कि ये मेलाटोनिन के लेवल को कम कर देता है, और जब मेलाटोनिन का लेवल कम होगा तो हमको नींद नहीं आएगी। शाम के बाद हमारे शरीर में धीरे धीरे इस मेलाटोनिन का लेवल बढ़ने लगता है, हमारा ब्रेन इसको सिक्रेट करने लगता है, पिनियल ग्लैंड से इसका सिक्रेशन शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे शरीर में ये बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमको नींद आने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसीलिए रात में व्यक्ति को नींद आ जाती है। लेकिन जब व्यक्ति आवश्यकता से अधिक चाय का सेवन करता है तो इसकी वजह से धीरे धीरे ये नींद को कम करने लगता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो मेलाटोनिन है इसका लेवल कम होने लगता है, और जब इसका लेवल कम होगा तो व्यक्ति को नींद नहीं आएगी। तो नॉर्मली हमारे शरीर में जो मेलाटोनिन होता है वो शाम के साथ ही बढ़ना शुरू हो जाता है, जैसे शाम होगी शाम के साथ जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका लेवल बढ़ता जाएगा, लेकिन चाय की वजह से इसका लेवल क्या होता है, कम हो जाता है और हमको नींद नहीं आती है। और नींद ना आने की वजह से फिर व्यक्ति को आगे दिक्कतें होने लगती हैं, जैसे कि अब उसको अगर लगातार व्यक्ति इसको अपनी हैबिट में शामिल कर ले, हम उसकी बात कर रहे हैं, अगर कभी कभी व्यक्ति ले रहा है तो नॉर्मल है, लेकिन अगर डेली व्यक्ति, अब जैसे जो बहुत ज्यादा वर्क करने वाले हैं या फिर जो ओवर वर्क करते हैं उनका क्या है कि शाम को जब वो बैठते हैं ऑफिस का काम, अगर व्यक्ति घर पे कर रहा है बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा काम है तो उस दौरान वो चाय का सेवन करता है। खाना खाने के बाद व्यक्ति जब सिस्टम पे बैठता है या फिर बुक्स जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं बुक्स लेके बैठते हैं तो वो अधिकतर चाय लेते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि अगर कंटिन्यू व्यक्ति इसका हैबिचुअल हो जाता है तो फिर ये एक समस्या बन जाती है कि व्यक्ति को नींद नहीं आती, और जब व्यक्ति को नींद नहीं आएगी तो उसकी वजह से उसको इनडाइजेशन भी होगा, क्योंकि अगर खाना खाने के बाद व्यक्ति नींद नहीं लेता है तो उसको इनडाइजेशन की समस्या होगी, उसको स्ट्रेस की समस्या होगी, ये सोच के वो परेशान हो रहा है कि उसको नींद नहीं आती, इसके अलावा उसको एंजाइटी की समस्या होगी, और जब इतनी सारी दिक्कतें होगी तो फिर उसको कहीं ना कहीं उसका ब्लड सर्कुलेशन भी प्रभावित होगा, और इसकी वजह से फिर लास्ट में उसको क्या होगा, बीपी की समस्या हो जाएगी। तो ये किस वजह से हो रहा है, सीधा सीधा संबंध इसका हमारे चाय से है। तो चाय को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हैं जो दिन प्रतिदिन हमारे अंदर डेवलप होती हैं, लेकिन हमको पता
पता नहीं चलती, फिर इसको हम ज्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं। नॉर्मली व्यक्ति इस पे ध्यान नहीं देता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि एक कप चाय से क्या नुकसान होने वाला है, लेकिन ये एक कप चाय हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल भी हो सकती है, क्योंकि इसकी वजह से व्यक्ति को जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उनके ब्लॉकेज की समस्या भी हो सकती है। ब्लड वेसल्स ब्लॉकेज भी हो सकता है, मतलब कि जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, रक्त की जो नलियां होती हैं, वो बंद भी हो सकती हैं, उनमें ब्लॉकेज हो सकता है, क्योंकि जब हम अधिक मात्रा में शुगर का सेवन करते हैं, जब हम चाय अधिक लेंगे तो चीनी भी अधिक मात्रा में लेंगे, और जो चीनी होती है ये किसी भी तरह से हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होती है, क्योंकि जो चीनी होती है जब उसका पाचन होता है तो पहला तो वो लैक्टिक एसिड में बदलता है, और दूसरा इसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन भी बाधित होता है, और तीसरा जो ब्लड वेसल्स होती हैं इनमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका लेवल भी धीरे धीरे बढ़ना लगता है, और अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है तो इसका सीधा प्रभाव हमारे हार्ट पे दिखता है, हमारा जो दिल है उस पे दिखता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अपने दिल को भी अपने हाथों से ही कमजोर बना रहे हैं, तो उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इन चीजों का हमको ध्यान रखना है। चाय का अपन सेवन करिए, लेकिन सीमित मात्रा में करिए, दो से अधिक चाय पीना किसी भी तरह से स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा व्यक्ति को हेडेक की भी समस्या होती है, मतलब उसको सर दर्द की समस्या भी हो जाती है, क्योंकि उसकी जब नींद पूरी नहीं हो रही है तो उसको हेडेक तो होगा ही, सर तो दर्द करेगा ही। इसके अलावा व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या हो जाती है, क्योंकि जब उसका खाना अच्छे से नहीं पचेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, कब्ज की समस्या भी होगी। तो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारे चाय से भी संबंधित होता है। इसके अलावा व्यक्ति को लॉस ऑफ एपेटाइट की भी प्रॉब्लम होती है, मतलब व्यक्ति को भूख नहीं लगती है। तो अधिकतर आपने देखा भी होगा कि अगर व्यक्ति को भूख लगी है तो वो क्या रिकमेंड करता है, चाय, एक कप चाय पिएगा और उसके बाद उसकी भूख शांत हो जाती है, तो ये भी नुकसानदायक है। इसके अलावा ये हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसको भी प्रभावित करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित करता है, क्योंकि इसमें पाया जाने वाला जो टैनिन तत्व है ये हर तरह से हमारे ब्रेन को प्रभावित कर रहा है। तो चाय पीना किसी भी तरह से स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। इसके अलावा चाय पीने की वजह से व्यक्ति को ओबेसिटी की भी समस्या हो जाती है, क्योंकि वो आवश्यकता से अधिक शुगर ले रहा है, और शुगर में अधिक मात्रा में क्या है, ग्लूकोज है, और जब वो आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज लेगा तो वो कहीं ना कहीं शरीर में स्टोर ही होगा। तो जब व्यक्ति आवश्यकता से अधिक शुगर लेता है तो हमारी जो सेल्स होती हैं उनमें एक तरह से रेजिडेंसी डेवलप होने लगती है शुगर के प्रति, और इस वजह से धीरे धीरे व्यक्ति का मोटापा बढ़ने लगता है, क्योंकि हमारे बॉडी को जितना ग्लूकोज चाहिए अगर उससे अधिक हम लेते हैं तो हमारी जो सेल्स होती हैं इनका ये नेचुरल प्रोसेस होता है, एक प्राकृतिक इनका तरीका होता है खुद को सेफ रखने का, कि अगर आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज हुई तो ये जो भी सेल्स है, जैसे हमारे जो पूरी शरीर है उसमें क्या छोटे छोटे सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स से मिलके हमारा शरीर बना है, तो ये जो सेल्स होती हैं इनको जितनी मात्रा में ग्लूकोज चाहिए उतना ही ये लेती हैं, इसके बाद अगर आवश्यकता से अधिक है तो ये क्या करती हैं कि अपने ऊपर एक लेयर डेवलप कर लेती हैं, जिसकी वजह से जो शुगर है वो इनके अंदर ना जाए। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सेल्स भी होती हैं जो इस शुगर को स्टोर करने लगती हैं, तो वो जो शुगर स्टोर कर रही हैं वो किस वजह से होती हैं, क्योंकि हमारे शरीर में कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं और बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, तो कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं, जैसे कि हम बात करें एडिपोज टिश्यू की, तो जो एडिपोज टिश्यू होते हैं, जो सेल्स एडिपोज टिश्यू को बनाती हैं, वहां पे जो ये एक्सेसिव ग्लूकोज होता है ये स्टोर होना शुरू कर देता है, और फिर यही इसका आकार धीरे धीरे बढ़ने लगता है, क्योंकि वहाँ अधिक मात्रा में ग्लूकोज इकट्ठा हो रहा है, शुगर इकट्ठा हो रहा है, और फिर वही व्यक्ति को धीरे धीरे ओबेसिटी की समस्या हो जाती है, या फिर यूं कहें कि व्यक्ति को डायबिटीज की समस्या भी हो जाती है, क्योंकि शुगर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, इंसुलिन करता है। अब इंसुलिन भी तो सीमित मात्रा में ही निकलेगा, आवश्यकता से अधिक अगर हम शुगर अपने शरीर में डाल रहे हैं, आवश्यकता से अधिक पैनक्रियाज भी तो इंसुलिन नहीं निकालेगा, वो भी तो एक लिमिट मात्रा में ही निकालता है, तो हमारे शरीर में या तो शुगर की बढ़ रही है या फिर हम अधिक मात्रा में शुगर ले रहे हैं, तो ये दोनों तरह से हार्मफुल है, तो वहाँ पे फिर व्यक्ति को डायबिटीज मेलिटस की समस्या हो सकती है क्या, होती ही है। अगर व्यक्ति आवश्यकता से अधिक चीनी का प्रयोग करता है तो उसको ये सारी समस्याएं तो होती ही होती है। आजकल तो छोटे बच्चों में भी देखने को मिल जा रहा है कि उनको डायबिटीज हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि आजकल बच्चे भी बहुत अधिक मात्रा में चॉकलेट का यूज कर रहे हैं, चॉकलेट का यूज कर रहे हैं, चीनी से बनी जितनी भी चीजें हैं मार्केट में वो सभी हमारे लिए हार्मफुल है। चीनी हर तरह
तरह से नुकसानदेह है। और हम अगर बात कर रहे हैं चाय की, तो चाय में तो ऑलरेडी चीनी है और हम दिन भर में एक नहीं बल्कि 10-10 कप चाय पी जाते हैं। तो 10 कप चाय पीने का मतलब कि हम 10 चम्मच चीनी अपने शरीर में डाल रहे हैं। हमको एक चम्मच चीनी की जरूरत है पूरे 24 घंटे में, लेकिन उन 24 घंटे में हम क्या कर रहे हैं, 10 चम्मच चीनी डायरेक्टली अपने अंदर डाल रहे हैं। उसके बाद जो हम खाना खा रहे हैं उससे जो हमको ग्लूकोज मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, वो अलग चीज है। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं, इनको हम यहाँ लेके इतने बड़े लेवल पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मोटी मोटी चीजें हैं वो आप समझ सकते हैं कि अगर आप अधिक मात्रा में चाय पीते हैं तो नॉर्मली आप ये देख भी सकते हैं, लेकिन व्यक्ति इस पे ध्यान नहीं देता है। अगर चाय पिएगा उसको एसिडिटी होगी, या फिर पेट में दर्द महसूस हो, या फिर गले में उसको जलन महसूस हो, तो उसका ध्यान कभी भी इस बात पे नहीं जाएगा कि मे बी ये चाय की वजह से हो रहा है। वो ये बोलेगा कि उसने शायद खाने में कुछ ऐसा खा लिया है, या फिर उसने आवश्यकता से अधिक खाना खा लिया है, या फिर उसको पाचन सही से नहीं हुआ है, या फिर उसको गैस की समस्या है, लेकिन वो ये बात नहीं कहेगा कि उसने चाय पी है इस वजह से ये चीजें हो रही हैं। तो चाय कितनी हम पीते हैं, एक कप, लेकिन ये एक कप चाय हमारे लिए कितनी नुकसानदेह है ये आप खुद समझ सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपने इतना तो जरूर जाना होगा कि हमको आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज नहीं लेनी है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में फिर से किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।